नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्री बेन्यामिन गांस के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिन की यात्रा आज से। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की निगरानी के लिए भारतीय दल काबुल के दौरे पर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 2014 से देश में रसोई गैस कनेक्शन 14 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 30 करोड़ 39 लाख हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बैंक मैनेजर की हत्या की। भारतीय नौसेना कल मुंबई में 2 जहाजों INS निशंक और INS अक्षय को विदाई देगी। और फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के मैटवे मिडलकूप की जोड़ी आज पुरुष डबल्स सेमीफाइनल खेलेगी। दोपहर समाचार में नई मख्तर के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्री बेन्यामिन गांस के साथ बातचीत की। इससे पहले श्री सिंह की मौजूदगी में श्री बेन्यामिन गांस ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। श्री गांस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। श्री जयशंकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से मिलेंगे और विदेश मंत्री इवान कॉरकॉक के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री ग्लोब सेक फोरम में भाग लेंगे और मैत्री अगले चरण तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग विषय पर विचार रखेंगे। चेक गणराज्य की यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री यान लिपवस्की के साथ मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता कार्यों की देखरेख के लिए एक भारतीय दल काबुल के दौरे पर है। इसके सदस्य मानवीय सहायता वितरण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगे। ये दल उन स्थानों का भी दौरा करेगा जहां भारतीय कार्यक्रम और परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय जरूरतों को देखते हुए सहायता भेजने का फैसला किया था। मानवीय सहायता की कई खेप जिसमें 20,000 मेट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवाएं, कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक और सर्दियों के कपड़े शामिल हैं, अफगानिस्तान में भेजी जा चुकी हैं। इन खेपों को काबुल के इंदिरा गांधी बच्चों के अस्पताल और कई मानवीय संगठनों को सौंपा गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान को और अधिक चिकित्सा सहायता और खाद्यान्न भेजने की प्रक्रिया जारी है। भारत ने ईरान में रह रहे अफगान शरणार्थियों को कोविड टीके लगाने के लिए स्वदेशी कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन की 1 मिलियन खुराक दी है। साथ ही यूनिसेफ को पोलियो वैक्सीन की लगभग 60 मिलियन खुराक और 2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी की है। भारत के इन प्रयासों को अफगान समाज में व्यापक सराहना मिल रही है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय दल तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेगा और अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता के बारे में बातचीत करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सेनेगल पहुंच गए हैं। वो राष्ट्रपति मैकी साल के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मुस्तफा नियासे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलेंगे। श्री नायडू के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि उपराष्ट्रपति की ये यात्रा भारत सेनेगल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। ये यात्रा अफ्रीका के साथ निकटता से जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है, हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
42 8700142 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में वर्ष 2014 के बाद से रसोई गैस कनेक्शन की संख्या 14 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 30 करोड़ 39 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शन की मंजूरी दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में हर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में 24 लाख पीएनजी कनेक्शन थे जो अब बढ़कर 90,90,000 हो गए हैं। श्री पुरी ने बताया कि इसी अवधि में देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 936 से बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस विशेष अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण प्रसारित कर रहा है। इसके तहत आज निर्धन और समाज के वंचित वर्गों के लिए लागू सफल योजनाओं पर कार्यक्रम प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये उजागर किया जाएगा कि केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरह से निर्धनों के घर को आलोकित कर रही हैं, बल्कि इनसे उनके जीवन में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है। मेरा नाम विमला जैन है। पहले मेरे पास घर नहीं था, बारिश में ठंड में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे 2 लाख मिला, जिससे मेरे पास अब एक पक्का घर है। अब मुझे बारिश ठंड में कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। तो बाल बच्चा सब खुश है, दोनों प्राणी खुश है। मंत्री जी रहे दया से हमने के एकदम बाल बच्चा ठीक है। जैसे हमके घर बनिए आवास मिल गई बा, हमके बिजली मिल गई बा, हमके फ्री गैस मिल गई बा, हमके बाथरूम बन गई बा। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 स्पॉटलाइट में प्रसारित किया जाएगा। रेडियो के किस्से थोड़े थोड़े सभी के हिस्से। आज का किस्सा है पोस्टमैन का। एक बार पोस्टमैन राकेश ने एक छोटे से घर के बाहर पोस्टर देखा। वो दरवाजे पे वेलकम वाला होता है ना, वैसा पोस्टर। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, अरे अम्मा ये लोग क्यों बोलते हैं मोदी जी मेरा परिवार? मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी बिजली गैस टॉयलेट सब लगवाया, नहीं समझा? देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द को बहुत निकट से अनुभव किया, एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार। 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। पेइजिंग में भारतीय दूतावास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके अंतर्गत चीन में योग शिक्षक मोहन भंडारी ने दूतावास स्थित सांस्कृतिक केंद्र में प्राणायाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री भंडारी ने कहा कि योग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। योग इटसेल्फ हैज बिकम द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ चाइनीज पीपल एंड फॉर योगी योगा वी वांट व्हेन द स्टूडेंट्स गो टू टीच और दे प्रैक्टिस दे शुड हैव अ वेरी बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा। चीनी योग शिक्षक शेरी ने कहा, 10 years ago I started practicing yoga in China and around 2013 I start teaching yoga in China. Now I still practicing every day. I'm not only practicing asana but also practicing kriyas, asana, pranayama, meditation of and also chanting. So this way of complete yoga practicing already bring me the complete health. भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पेइजिंग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के दौरान भारतीय दूतावास चीन के 75 योग स्कूलों से जुड़ा रहेगा।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्री बेन्यामिन गांस के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिन की यात्रा आज से। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की निगरानी के लिए भारतीय दल काबुल के दौरे पर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा 2014 से देश में रसोई गैस कनेक्शन 14 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 30 करोड़ 39 लाख हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बैंक मैनेजर की हत्या की। भारतीय नौसेना कल मुंबई में 2 जहाजों INS निशंक और INS अक्षय को विदाई देगी। और फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और नेदरलैंड्स के मैटवे मिडलकूप की जोड़ी आज पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में खेलेगी। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य समारोह हैदराबाद के जन उद्यान में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा कि संस्कृति और विरासत से समृद्ध तेलंगाना ने विकास के क्षेत्र में भी सराहनीय प्रगति की है और प्रमुख उद्योगों का केंद्र बना है। श्री मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोग राष्ट्र की प्रगति के लिए परिश्रम और समर्पण के पर्याय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता के कल्याण की कामना की। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आज आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले इसी जिले के गोपालपोरा क्षेत्र में स्कूल शिक्षिका रजनी बाला की हत्या कर दी गई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। मैनेजर विजय कुमार कुलगाम जिले के आरेह मोहनपोरा स्थित इलाकाई देहाती बैंक में कार्यरत थे। वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले थे। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। कश्मीरी डिवीजन में पिछले 3 दिनों में ये दूसरा हमला है। इस बीच सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। इससे पहले आज सवेरे दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के सेडो गांव के निकट एक विस्फोट में 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। भारतीय नौसेना कल मुंबई नौसेना गोदी में अपने 2 पोत INS निशंक और INS अक्षय को सेवा मुक्त करेगी। इन दोनों को 32 वर्ष की राष्ट्र सेवा के बाद विदाई दी जा रही है। अनेक समुद्री योद्धाओं के अभियान के साक्षी रहे ये पोत हमेशा सम्मान और गौरव के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। नौसेना में जहाज और पोत को जीवंत माध्यम के रूप में महत्व दिया जाता है और उनकी सेवा मुक्ति नौसेना कर्मियों के लिए बहुत ही भावपूर्ण होती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्कूली शिक्षा ऐसी बुनियाद है जिसके बल पर भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि नई पीढ़ी को 21वीं सदी के ज्ञान और कौशल से वंचित नहीं किया जा सकता है। देश में जब आपातकाल लगी उस समय में शिक्षा दोहरी जिम्मेवारी में आ गया। 42nd अमेंडमेंट के साथ 1976 से शिक्षा भारत सरकार और राज्य सरकारों की दोहरी जिम्मेवारी में आ गया। अनेक प्रयास सभी ने किया। हम आजादी की 75 साल मना रहे हैं। आजादी की 75 साल में सभी राज्य सरकारों ने, सभी स्थानीय सरकारों ने, भारत सरकार ने अपने बुद्धि विवेक से शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। श्री प्रधान ने कहा कि छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रयोगशाला होंगे।
सरकार इन स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव और राय मांगेगी। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वन विभाग ने पर्यावरण आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने, पारिस्थितिकी के संतुलन बनाए रखने और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरीवाड़ी गांव को गोद लिया है। ये गांव जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री नजीर अहमद ने कहा कि विभाग ने 7 हेक्टेयर भूमि पर गांव में एक इको टूरिज्म पार्क बनाया है। यहाँ पे जो लोगों का रोजगार है उस हवाले से तकरीबन 30 दुकानें विद इन 1 वीक यहाँ पे डाली गई है। यहाँ पे लोगों का फ्लो इतना ज्यादा है क्योंकि इनको कोई ऐसी डेस्टिनेशन यहाँ पे मिली नहीं। ये इनको श्रीनगर या कहीं और पे जाना पड़ता है। पहली बार ये महसूस कर रहे हैं कि ये कुपवाड़ा डेस्टिनेशन है और हमने काफी कोशिश की है कि इसको हम ऐसे निखारे कि यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाएं। जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की बात है उस हवाले से भी हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है जहाँ पे हम बच्चों को इस हवाले से भी बताते कि आप इनको घर में लगा सकते हैं, अपने गाँव में लगा सकते हैं और इंग्लिश मेडिसिन से आने वाले टाइम में तो उनका रिजल्ट नहीं रहता है। ये हर्बल जो है इस पे हम जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में हड़ौती क्षेत्र के 10,000 से अधिक बाढ़ग्रस्त लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। पिछले वर्ष मॉनसून के दौरान मूसलाधार वर्षा से समूचे हड़ौती क्षेत्र में कई दिन तक ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी रही। बाढ़ के कारण गांव के कच्चे मकान ढह गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा में 6,106, बारन में 4,053 और बूंदी में 106 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र पाया गया। इन परिवारों की जानकारी आवास प्लस ऐप पर उपलब्ध है। गुजरात में कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन पटेल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वे कोबा से रोड शो कर गांधीनगर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। पटेल ने पिछले 17 मई को कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। हार्दिक पटेल ने भाजपा में शामिल होने को एक नया अध्याय बताया। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व नेता श्वेता ब्रह्मभट्ट भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई थीं। महिला मुक्केबाज मनीषा मौन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुश्री मौन ने कहा कि श्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मनीषा मौन ने सभी माता पिता से अपनी बेटियों को शिक्षित करने का आग्रह किया। जो हमारी बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी 3 लड़कियों का मेडल आया है। लड़कियां काफी मेडल अचीव कर रही हैं तो कुछ फैमिली भाग ही नहीं लेने देती कि क्या करेगी, आगे शादी करना है। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप ऐसे मत रोकिए क्योंकि हर बेटी कोई ना कोई मनीषा, कोई ना कोई मैरी कॉम, कोई ना कोई बड़ी स्टार बन सकती है। आप प्लीज अपनी बेटियों को पढ़ाइए और खिलाइए, आपका नाम रोशन करेंगी और देश का भी नाम रोशन करेंगी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के मैचवे मेडलकूप की जोड़ी आज दोपहर पुरुष डबल्स सेमीफाइनल खेलेगी। ये जोड़ी अल सल्वाडोर के मार्सिलो अरेवालो और नीदरलैंड्स के जा जूलियन रोजर की जोड़ी से खेलेगी। बोपन्ना का फ्रेंच ओपन में ये पहला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल मैच है। जर्मनी के राजदूत वॉल्टर लिंडनर ने कहा है कि यूक्रेन संकट पर मतभेदों के बावजूद भारत और यूरोप के बीच संबंध प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रूस की कार्रवाई का विरोध करना जरूरी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी से हर रोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी डुग्गीराला गोपाल कृष्णैया का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जून 1889 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्हें आंध्र रत्न के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्णैया कवि, गीतकार, दार्शनिक, गायक और अहिंसक विचारधारा के साथ असाधारण क्रांतिकारी भी थे। गोपाल कृष्णैया ने अपने दोस्त नादिमपल्ली नरसिम्ह राव की वित्तीय सहायता से एडिनबरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वो 1917 में भारत लौटे और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे। गोपाल कृष्णैया एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए और 1919 में वो अध्यापक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आ गए। में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के बाद वे असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गोपाल कृष्णैया ने स्वराज के लिए कार्य करने के लिए कामगारों का काडर बनाया जिसे रामा डांडू यानी राम की सेना कहा गया। 1921 में रामा डांडू ने विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। गोपाल कृष्णैया को असहयोग आंदोलन के समय चिराला में कर विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। जनवरी 1921 में जब चिराला के निवासियों ने कर का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया तो अंग्रेजों ने गिरफ्तारी और मुकदमे चलाकर और अनेक प्रदर्शनकारियों को जेल की सजा सुनाकर आंदोलन को कुचल दिया। महात्मा गांधी के परामर्श पर गोपाल कृष्णैया ने चिराला के निवासियों का कस्बे से बाहर जाने और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बनाने के अभियान का नेतृत्व किया। कस्बे की कुल 15,000 में से 13,000 जनसंख्या ने उनका साथ दिया और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बसा ली। वहां सभी जातियों के सदस्यों की सभा गठित की गई और मध्यस्थता के लिए न्यायालय बनाया गया। गोपाल कृष्णैया को पकड़ लिया गया और साहसिक नेतृत्व के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1925 में स्वराज पार्टी बनाई तो गोपाल कृष्णैया भी उसमें शामिल हो गए। गोपाल कृष्णैया संस्कृत, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण थे। वे असाधारण लेखक थे और ओजस्वी वक्ता भी थे। उन्होंने आंध्र विद्यापीठ गोष्ठी की स्थापना की। इंग्लैंड में प्रवास के समय गोपाल कृष्णैया ने नंदी केसवर के अभिनय दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया जो द मिरर ऑफ जेस्चर के नाम से प्रकाशित हुआ। 10 जून 1928 को 39 बरस की उम्र में गोपाल कृष्णैया का निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी गोपाल कृष्णैया को हमारा शत शत नमन। आज हम वीर बीकू को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आरंभ में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सैनिक थे लेकिन बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिल गए। उन्होंने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों की अवज्ञा करने और विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कंपनी की सेना के साथ मुठभेड़ में बीकू को पकड़ लिया गया। उन पर ब्रिटिश शासन से बगावत करने और फौज की नौकरी छोड़ने के आरोप लगाए गए। आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा देकर उन्हें निर्वासित कर दिया गया। 2 जून 1858 को अंडमान द्वीप में कारावास में ही उनका निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी बीकू को हमारा नमन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू को भी याद कर रहे हैं। वे हरियाणा के बलवारी के निवासी थे। आरंभ में सिद्धू ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश शासन से बगावत करने के आरोप लगाए। सिद्धू को मृत्यु की सजा सुनाई गई और 2 जून 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। वीर सिद्धू को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा या गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गैंगटॉक में गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज 2 जून है बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक मणिरत्नम का जन्मदिन। यह छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक मणिरत्नम का जन्म तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। उनके पिता रत्नम अय्यर एक फिल्म निर्माता थे जो वीनस पिक्चर जैसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम कर चुके थे। फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म कन्नड़ में पल्लवी अनु पल्लवी थी। मणिरत्नम को लोकप्रियता मौना रागम से मिली, लेकिन मणिरत्नम के लिए 1989 में बनी फिल्म गीतांजलि मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मणिरत्नम केवल दक्षिण के नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी जाने माने फिल्मकार हैं। नायकन मणिरत्नम की ऐसी फिल्म है जिसे विदेशों में भी काफी सराहा गया। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2005 में पहली बार सर्वकालिक 100 महान फिल्मों की सूची जारी की थी। इसमें सत्यजीत रे की द अपू ट्रायलॉजी, गुरुदत्त की प्यासा के साथ मणिरत्नम की नायकन को भी जगह मिली थी। इन्हें अब तक 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 2002 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटी के प्रवेश द्वार घांघरिया में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस मौसम में फूलों की घाटी में 500 से अधिक रंग बिरंगे फूलों की प्रजातियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्री बेन्यामिन गांस के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिन की यात्रा आज से। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की निगरानी के लिए भारतीय दल काबुल के दौरे पर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा 2014 से देश में रसोई गैस कनेक्शन 14 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 30 करोड़ 39 लाख हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बैंक मैनेजर की हत्या की। और फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के मैटवे मिडलकूफ की जोड़ी आज पुरुष डबल्स सेमीफाइनल खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।